नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा होने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर पे। फ्लिपकार्ट पे यदि आप लोग शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर बाय नाउ करते हैं, तो उनमें कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी हो गया, ऑर्डर रिटर्न प्रॉब्लम हो गया, रिफंड का पैसा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमें फ्लिपकार्ट पर कभी ना कभी फेस करने को पड़ती हैं, या आपने नहीं की तो आपको कभी फेस करने को ना पड़े ऐसी प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पर कॉल किस तरीके से कर सकते हैं और कॉल पर बात किस तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो पर आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, खास रहेगी, इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच करना बिना स्किप किए। उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले के अपडेट पे जो मैंने बताया था वो अपडेट अब चेंज हो चुके हैं। वो उस तरीके से यदि आप लोग कॉल करने जाओगे तो आपका कॉल नहीं हो पाएगा, इसलिए नई वीडियो आपके लिए खास लाया हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर हेल्प वाला ऑप्शन आप सभी के सामने ओपन हो जाता है। अब लोग आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जो पहले का अपडेट था तो उस पर मैं आपको बताता था कि आई वांट हेल्प विथ अदर इशू पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी प्रोसेसिंग होती है आपको शायद पता होगा, लेकिन अब यहाँ पर यदि आप लोग क्लिक करते हो तो आपका जो है कॉल बैक नहीं होगा। ये देखिए, आपने शॉपिंग की होगी या कोई से भी ऑर्डर आपको यहाँ शो करता होगा तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक कर लेना है, कैंसिल हो या वो ऑर्डर डिलीवर हो, इससे आपको कोई लेन देन नहीं, आपको उस पर क्लिक बस कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कर लिए तो नीचे की साइड देखिए लिख के आता है चैट विथ अस, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। चैट पढ़कर वीडियो छोड़कर मत जाना, मैं चैट पर नहीं आपको कॉल पर बात करना सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आपकी जो चैट है वो स्टार्ट होगी यहाँ पास इस तरीके से, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पास है। तो मैंने अभी किया था आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मैसेज दिया जाएगा तो आपको उनमें से देखिए दूसरे नंबर का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर एक ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको यहाँ कुछ ना सिलेक्ट करके कॉल बैक कमेंट पर लिख देना है। आप लोग जैसे ही लिख देते हो उसके बाद नीचे देखिए लिख कर आ जाता है रिक्वेस्ट अ कॉल, तो आपको जो है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो आपकी लैंग्वेज ओपन हो जाती है। अब जिस भी लैंग्वेज में उनसे बात करना चाहें, यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेज ओपन होती हैं, तो आपको सिंपल से जो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नंबर ओपन हो जाता है, या क्या आप इसी नंबर पर हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप लोग इस पर इस नंबर पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो पाँच से छः मिनट तो ज़्यादा हो गया, 2 से 3 मिनट पर आपको एक कॉल आएगा फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर की तरफ से। फिर आपको उनसे बात कर लेना है, जो भी प्रॉब्लम है बता देना है और सॉल्व करा लेना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से जो है फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट, ऐसी वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिल जाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।